Let's do question number third of exercise 8B, that is circle. Question number third is, in the given figure, O is the center of the circle. Is figure mein O center hai circle ka. PT and PQ are the tangents of the circle. Ye dono tangents hai. From an external point P. P ek external point hai jahan se PT aur PQ tangents bani hui hai. If TPQ 70 degree hai, to hame टी आर क्यू निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं. हमें क्या दे रखा है, पी टी एंड पी क्यू क्या है, टेंजेंट्स हैं सर्कल की, टेंजेंट्स ऑन दी सर्कल, टेंजेंट्स हैं सर्कल पे, राइट. और हमें एंगल कौन सा दे रखा है, टी पी क्यू, टी पी क्यू दे रखा है 70 डिग्री. और हमें कौन सा एंगल निकालना है, टी आर क्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमें पता है, देखिए अगर मैं टी और क्यू क्या है, सर्कल पे टच हो रहे हैं, तो मैं अगर टी और क्यू को जॉइन कर देती हूँ तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, ओ टी परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे. देखिए ओ टी परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, और इसी तरीके से ओ क्यू जो कि रेडियस है वो भी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे. तो हम लिख सकते हैं, वी नो दैट टेंजेंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर है रेडियस पे. तो हमने कहा पी टी क्या है, परपेंडिकुलर है ओ टी पर. तो जब परपेंडिकुलर है तो एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का. तो एंगल ओ टी पी कितना का, कितने का आ गया, 90 डिग्री का. इसी तरीके से पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ क्यू पे, और एंगल ओ क्यू पी कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया, राइट. अब ये क्या बन गया, अब आप देखेंगे ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, राइट. ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री. एज पी टी ओ क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड sum of all angles of the quadrilateral is, of the quadrilateral is 360 degree. तो सारे angles add कर लेते हैं, तो angle कौन कौन से हो गए, angle TPQ plus angle OTP plus angle OQP प्लस एंगल टी ओ क्यू, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री है. अब देखिए एंगल टी पी क्यू कितना है, 70 डिग्री. प्लस ओ टी पी कहें या ओ क्यू पी कहें, दोनों 90 डिग्री के हैं. तो 90 प्लस 90 प्लस टी ओ क्यू कितने डिग्री का आ जाएगा, 360 के इक्वल हो गया. तो आया 90 इज 180 प्लस 70, 180 प्लस 70 इज 250, प्लस टी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 360. तो टी ओ क्यू कितना आ गया, 360 में से 250 माइनस हो गया, तो एंगल टी ओ क्यू आ गया हमारा 110 डिग्री, राइट. अब टी ओ क्यू हमें पता चल गया, और ये पता है हमारा आर्क पे बन रहा है एंगल, और रिमेनिंग आर्क पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, हाफ होता है इस एंगल का. तो हमें पता है एज वी नो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल the angle subtended
by an remaining part of an आर्क. इसका मतलब है जो ये इस आर्क से एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, वो डबल होता है इस एंगल का. और वी कैन से दैट ये एंगल हाफ है इस एंगल का. तो टी ओ क्यू जो एंगल है वो डबल है किसका? एंगल टी आर क्यू का, राइट. तो टी ओ क्यू कितना है? 110 ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर क्यू. तो टी आर क्यू एंगल कितना निकल गया? 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो दैट इज 55 डिग्री. तो हमें पता चल गया कि ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 55 डिग्रीज द आंसर.